दीपू ने बोला ठीक है सर मैं आ रही हूँ, तो वो चली गई आज़ादपुर चली गई वो। अब वो जब गई है तो शाम के टाइम, मेरा भाई भी वहीं काम करता है करोल बाग में उसी के ऑफिस में ही, इसको गौरव ने बोला कि गदड़ 5:30 हो गए तुम चले जाओ काम नहीं है अभी ज़्यादा, तो वो 5:30 बजे इसको भेज दिया, वो चला गया। 6:15 पे मेरी बहन की फिर डेथ हो जाती है। फिर गौरव से पूछा मैंने, बोला क्यों मारा मेरी बहन को, तब उसने बोला कि उसने मेरे को फ्रस्ट्रेट कर दिया था कि मेरे को शादी करने के लिए प्रेशराइज कर रही थी। मैंने बोला आप खुद आए थे मेरे घर पे। अच्छा, मतलब उसने ये बयान दिया कि आपकी बहन प्रेशराइज कर रही थी, उल्टा कर दिया पूरा। हाँ, वो प्रेशराइज कर रही थी कि मुझे शादी करो शादी करो। मैंने कहा वो अगर प्रेशराइज करती तो वो तुम्हारे घर पहुँचती ना, तुमसे बात करती है ना कि मेरे को करनी है, तुम मेरे घर नहीं आते कि मम्मी मेरी शादी करवा दो, मेरी शादी करवा दो। तमाम आरोपियों के लिए किस सजा की मांग करते हैं? उसको फांसी होनी चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। मैं तो सोचती थी चलो उम्र कैद, लेकिन अगर मेरी बहन के साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है तो फांसी होगी बस। नमस्कार, मैं अभिष शर्मा और आप देख रहे हैं स्वराज मीडिया नेटवर्क। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी दिल्ली के आदर्श नगर थाना क्षेत्र में, जहां से एक बहुत बड़ी वारदात सामने आई है। आपको बता दें कि एक महिला जिसका नाम दीपू बताया जा रहा है, जब वो अपने ऑफिस में काम कर रही थी उस वक्त उसकी गला रेत कर हत्या कर दी जाती है, और एक पुरुष पर उसका ये आरोप लगाया जा रहा है कि वो उस पर शादी करने का दबाव बना रहा था, काफ़ी लंबे समय से उसे परेशान कर रहा था, और उसके बाद जब लड़की ने इस चीज़ का विरोध किया तो वो इस कदर उसका गुस्सा जो है लड़की पर टूट पड़ा कि उसने गला रेतकर उसकी हत्या कर दी। यानी अब राजधानी दिल्ली में महिलाएं अपने दफ्तर के अंदर भी सुरक्षित नहीं है। इस वक्त दीपू का परिवार हमारे साथ मौजूद है इस पूरी घटना पर बात करने के लिए। मैम क्या नाम है आपका? डिंपल। क्या लगती है आप मृतक की? बड़ी बहन हूँ उसकी। ये जो पूरी वारदात हुई थी इसकी जानकारी कैसे मिली आपको? मुझे गौरव का कॉल आया था 7:30 बजे, उसने मेरे को बोला कि डिंपल दीपू का ना एक्सीडेंट हो गया। गौरव कौन है? गौरव वही ओनर है ऑफिस का ओनर। अच्छा, जहाँ हाँ। पर मतलब मृतक काम करती थी हाँ। उनके ओनर है ऑफिस के। ओनर है वो, गौरव सिंह भदौरिया, अनुज भी बोलते हैं उसे। तो उसने मुझे बोला कॉल करके कि डिंपल तुम्हारी बहन का ना थोड़ा सा मतलब छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है, ज़्यादा चोट नहीं आई है, तो आप एक काम करो आ जाओ। मैंने कहा कहाँ आना है, तो कह रहे आदर्श नगर थाने में। मैंने कहा ठीक है, तो कह रहे हैं मम्मी या पापा को मत बताना, अगर उनको बताए तो वो रोने धोने लगेंगे, तो बताना मत। मैंने कहा ठीक है नहीं बताऊंगी, भरोसा करते थे उस पर क्योंकि वो घर आ चुका है कई बार। तो मैं चली गई अकेले, रात 7:30 बजे के करीब अकेले निकल गई। बीच में वही कॉल आई थी मेरे पास 2-3 पुलिस वालों की, जो कहते हैं कि डिंपल यहाँ पर रुक जाओ, मेरे साथ चल लेना, जिप्सी आई है साथ में चल लेना, अकेले मत जाओ। तो मैंने कहा मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ जिप्सी में जाने में, मैं सीधा रिक्शे से जाऊँगी। मैं जब वहाँ पहुँचती हूँ तब उन्होंने बताया कि गौरव ने ही तुम्हारी बहन का खून किया है। अच्छा। क्योंकि वो शादी नहीं करना चाहता था और दीपू प्रेशराइज कर रही थी। इतना तो कितना लंबा अरसा हो गया था उनको ऐसे परेशान करते हुए? वो मतलब पहले से तो वो जानती ही थी काफ़ी टाइम से, लेकिन जो प्रेशराइज करना शुरू किया उसने 15-20 दिन पहले से ही, बहुत ज़्यादा। अच्छा, क्या इस बीच में पहले कभी कोई लड़ाई झगड़ा भी हुआ हो कुछ इस प्रकार से कभी उन दोनों के बीच या परिवार के साथ कभी? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसने कभी गुस्से में बात तक नहीं की ना मुझसे, नहीं मम्मी से भी आया था मिलने शादी की बात करने कि मुझे दीपू से शादी करनी है, वो खुश रहेगी, मैंने उसके लिए फ्लैट लिया है, पता नहीं कितने 30 लाख का कितने लाख का बता रहा था, मैंने फ्लैट खरीदा है उसके लिए और कार भी बुक करवाया है और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आपकी बेटी को कोई कमी नहीं होगी, आप बस हाँ बोल दो। तो मम्मी ने जब पता चला शादीशुदा है तो मम्मी अच्छा ने क्या पहले ये बात नहीं पता थी वो शादीशुदा थे, बाद में पता चली। हाँ, तो मम्मी को जब पता चली तो उन्होंने बोला कि जब आप शादीशुदा हो एक बच्चे के बाप हो तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी से शादी करने की, तुमने बोल कैसे दिया? तो कह रहा है कि आपको आपकी बेटी से मतलब है ना, वो खुश रहना चाहिए, वो आपको खुशी मिलेगी, किसी तरह की कमी नहीं होगी उसे। तो मम्मी ने कहा मैं नहीं बोल सकती ये, क्योंकि मेरी बेटी का ज़िंदगी का सवाल है। तो उसके बाद वो बोला ठीक है चला गया। उसके बाद प्रेशराइज करने लगा पापा के लिए कि मम्मी एक बार पापा से बात करवा दो। मम्मी कह रही क्या बात करोगे, जब मैंने मना कर दिया तो क्या बात करोगे? तो कहता है कि नहीं मुझे कुछ और बात करनी है, ऐसा बोला मैं ऐसी बात करनी है आप बात करवा दो। पापा बोले मैं बात नहीं करूँगा उसे, पापा को नफरत हो गई थी सुनने के बाद, तो कह रहे मैं नहीं बात करूँगा, उन्होंने किया नहीं।
अच्छा बताया ये जा रहा है कि कुछ अन्य लोग भी इस पूरी वारदात में शामिल थे, हाँ। जो पैसे देकर बुलाए गए थे हत्या करने के लिए। हाँ, जिसमें से दुर्गा नाम का था, इसने अपनी सारी बातें दुर्गा को शेयर की कि दुर्गा, क्योंकि बहुत ज़्यादा करीबी दोस्त है उसका, और एक नंबर का नशेड़ी इंसान है वो भी एक ऐसा ही है, मतलब होता है ना जगह से गंदा इंसान वैसी है। तो उसने बोला, उसको शेयर की सारी बातें कि ऐसी ऐसी बात है, तो मुझे किसी को ख़त्म करवाना है। तो दुर्गा ने बोला ठीक है, मैं एक कॉन्ट्रैक्ट क्लियर को जानता हूँ। तो उसने जाके उन तीनों को कॉल किया, बात की उससे। तब इन लोगों ने प्लान किया था 25 तारीख का कि 25 तारीख को करवाएंगे। तो 25 तारीख को नहीं जा पाए, 25 तारीख को वो नहीं जा पाए। क्यों? क्योंकि उसकी बहन का एक्सीडेंट हो गया था, गौरव की बहन का, तो नहीं जा पाए, कैंसिल हो गया। दूसरे दिन दीपू ने कहा कि मैं अभी थोड़ा सा अपसेट हूँ इन सब चीज़ों को लेके, तो मैं 26 तारीख को भी ऑफिस नहीं जाऊँगी। पर 26 तारीख को उसे कॉल किया गया, एक लड़की से कॉल करवाया। वो लड़की कहती है मैम मुझे ना इंटरव्यू देना है, आप प्लीज़ मेरा इंटरव्यू दे दो। दीपू ने कहा देखो थोड़ा सा मैं अपसेट हूँ और बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं नहीं आ सकती आज ऑफिस से मैंने ऑफ लिया है। तो कह रही है कि मैम 10 मिनट बाद कॉल करती है, मैम मैं ना बीच रास्ते में आ गई हूँ, प्लीज़ मुझे मतलब आ जाइए आप। तो वो चली गई। अब उस दिन क्या हुआ क्या नहीं हुआ पता नहीं, वो चला। उस दिन तो बच गई मेरी बहन, उस दिन बच गई मेरी बहन, नहीं कुछ हुआ उसके साथ। पर 27 तारीख की शाम को सुबह गौरव ने कॉल किया, चुप हो जाओ, गौरव ने कॉल किया सुबह 27 तारीख को कि दीपू ऑफिस आ जाओ। दीपू कह रही है कि मैं नहीं आ सकती, मैं ऑफिस अभी आना नहीं चाह रही हूँ, इसने ऐसे बोल दिया। अब चाहे उसे भला हुई हो, कोई भी दिक्कत हुई हो, तो उन्होंने मना कर दिया कि मैं नहीं आ सकती। पर गौरव उसे प्रेशराइज कर रहा है कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो उन्होंने बोला ठीक है, दीपू ने बोला ठीक है सर मैं आ रही हूँ। तो वो चली गई, आज़ादपुर चली गई वो। अब वो जब गई है तो शाम के टाइम, मेरा भाई भी वहीं काम करता है करोल बाग में, उसी के ऑफिस में ही, इसको गौरव ने बोला कि गदड़ 5:30 हो गए तुम चले जाओ, काम नहीं है अभी ज़्यादा। तो वो 5:30 बजे इसको भेज दिया, वो चला गया। 6:15 पे मेरी बहन की फिर डेथ हो जाती है। अच्छा ये बताइए, आमतौर पे आपकी बहन की छुट्टी कितने बजे होती थी ऑफिस से? नॉर्मली वो 6 बजे छुट्टी हो जाती है, सारा स्टाफ निकलने लगता है। और ऐसा नहीं है कि हमेशा मेरी बहन ही क्लोज करती थी ऑफिस, और भी उसके स्टाफ हैं जो काफ़ी आज़ादपुर के पास में रहते हैं, वो क्लोज कर देते थे। अच्छा कोई ऐसी आशंका भी लग रही है कि कोई उनके साथ छेड़खानी की गई हो, दुष्कर्म किया गया हो हत्या से पहले, कोई ऐसी आशंका है आपको? सर मेरे को 100% श्योर हूँ मैं कि उसके साथ गलत हुआ है, क्योंकि जब मैं गई हूँ वहाँ पुलिस स्टेशन में, मैंने कांस्टेबल से पूछा, एक लेडीज़ कांस्टेबल थी, उन्होंने बताया। मैंने कहा कि मैम मेरी बहन के साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, तो वो कहती हैं कि डिम्पल देखो चीज़ों को ना ज़्यादा मत कूरे दो और मत जानो ये सब चीज़ें तुम। मैंने कहा मैम मेरी बहन के साथ हुआ है या नहीं, कह रही मैं कुछ नहीं बोल सकती इन मामलों में। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। SHO के रूम में अनुज काफ़ी देर तक, कम से कम 15-20 मिनट तक था, बात कर रहे थे उससे। मैंने कहा वो निकलेगा तो जाऊंगी, तो वो निकला। फिर मैं अंदर गई तो मैंने सर से बोला, मैंने कहा सर मेरी बहन के साथ ऐसा कुछ हुआ है। तो वो पहले कह रहे हैं कि डिम्पल एक बात बताओ, वो उसके साथ रिलेशनशिप में थी तो कहीं ना कहीं हुआ होगा कुछ। मैंने कहा सर अनुज के साथ रिलेशनशिप में थी, उन तीनों के साथ तो नहीं थी ना, उन तीनों का मुझे जानना है उन्होंने कुछ किया है उसके साथ। तो पहले सोच रहे हैं, फिर कहना है कि नहीं, कहना नहीं, अचानक से बोला नहीं। मैंने कहा सर अगर ऐसा हुआ होगा तो वो बहुत गलत है। तो फिर गौरव से पूछा मैंने, बोला क्यों मारा मेरी बहन को? तब उसने बोला कि उसने मेरे को फ्रस्ट्रेट कर दिया था कि मेरे को शादी करने के लिए प्रेशराइज करी थी। मैंने बोला आप खुद आए थे मेरे घर पे। अच्छा मतलब उसने ये बयान दिया कि आपकी बहन प्रेशराइज कर रही थी, उल्टा कर दिया पूरा। हाँ वो प्रेशराइज कर रही थी कि मेरे से शादी करो। मैंने कहा वो अगर प्रेशराइज करती तो वो तुम्हारे घर पहुँचती ना, तुमसे बात करती है ना कि मेरे को करनी है, तुम मेरे घर नहीं आते कि मम्मी मेरी शादी करवा दो, मेरी शादी करवा दो उससे। तुम प्रेशराइज कर रहे हो, कोर्ट मैरिज तक का मैं मैसेज दिखा दूंगी सर, मेरे पास उसका फ़ोन दिखा दो बस मुझे। मैसेज मेरे को दीपू ने 2 दिन पहले ही दिखाया था, डिम्पल देख मैसेज आ गया है। तो मैंने कहा अच्छा, फिर मैंने उसके आगे बात नहीं की। 2 दिन बाद उसकी डेथ हो गई फिर, और वो वही चीज़ें कुछ उसके अलावा भी शायद वो जानती थी जो वो उसकी वाइफ को बताना चाहती थी, पर ये उसी वजह से उसको मार डाला, इसीलिए उसने मारा है। कोई राज जान गई थी वो इस चक्कर में, और वो दुर्गा को लेके इसीलिए पुलिस स्टेशन में आ रहा है जा रहा है, वो चाहता है कि वो और दुर्गा उनको मतलब बेल मिल जाए या छूट जाए वो। अच्छा क्या आपको भी किसी तरीके से प्रेशराइज किया जा रहा है, डराया धमकाया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है? अभी तक तो नहीं, लेकिन SHO के सामने, मेरे सामने जैसा उसने बिहेव किया ना, क्यों बुलाया मीडिया को, क्यों बुलाया मीडिया को, तुम्हें पता नहीं है क्यों बुलाया मीडिया को, ऐसे ऐसे बोल रहा है मैं देख लूंगा तुम लोगों को। फिर धमकी दे रहे थे आपको पुलिस स्टेशन? धमकी SHO के सामने बोला है, SHO ने ना तो उसे एक थप्पड़ मारा और ना ही तो, और मैं थोड़ा सा थी उस टाइम, मतलब उस टाइम घबराई थी मैं, तो मैं उसको नहीं मार पाई एक आग चाटे,
वरना तो मेरे को यही कहा गया था जो मेरे दोस्त फ्रेंड सर्कल में कि अगर उसने ऐसे बोला चांटे मारने चाहिए था तुझे, लेकिन मैंने कहा कि मैं उस टाइम खुद डरी हुई थी कि वो थाने में क्या कर रहा है, उसका काम हो गया तो उसको तिहाड़ भेजो, लेकिन वो थाने में आ रहा है जा रहा है। तो इन तमाम आरोपियों के लिए नहीं, कार में एसी में जा रहा है, वो आ रहा है हाथ पकड़ के बस लेके जा रहा है। तो ये तमाम आरोपियों के लिए किस सजा की मांग करते हैं? उसको फांसी होनी चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। मैं तो सोचती थी चलो उम्र कैद, लेकिन अगर मेरी बहन के साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है तो फांसी होगी बस। और उसके लिए मैं यही चाहती हूँ कि जो जो भी हो सपोर्ट करे, चाहे डीएसपी हो, चाहे डीसीपी हो, जो भी हो। और मैं केजरीवाल के पास भी, अगर वो नहीं अगर प्रेशराइज करेंगे तो मैं केजरीवाल के पास भी जाऊँगी, स्वाति माली वाले के पास भी जाऊँगी, क्योंकि मैं नहीं रह सकती ऐसे। ये अभी मेरी बहन के साथ करा है, अगर गलती से छूट गया ना वो तो वो मेरे घर को हार्म करेगा, मुझे पता है। वो घर जानता है पूरा कि हम कहाँ रहते हैं, मैं कहाँ जॉब करती हूँ, मेरी बहन कहाँ पढ़ाई करती है, वो सब पता है उसे। तो आपने परिवार के लोगों की बात सुनी, और ख़ास तौर पे उस लड़की की जिसकी मृत्यु हो गई थी, उसकी बहन ने कुछ बहुत बड़े राज आज खोले हैं। उन्होंने ये बताया कि उनको पूरा शक है कि उनकी बहन के साथ दुष्कर्म भी किया गया था हत्या से पहले। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक सामने नहीं आई है, तो किसी चीज़ की पुष्टि नहीं हो पाई है, परंतु जिस प्रकार से उनको पुलिस वालों के हाव भाव लग रहे थे जब उन्होंने दुष्कर्म की बात पूछी, तो उनको इस चीज़ का शक और ज़्यादा गहरा हो गया उनका कि हो सकता है कि उनकी बहन के साथ हत्या से पहले दुष्कर्म भी किया गया हो। फिलहाल 5 लोगों को पकड़कर पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, आगे की कार्रवाई भी की जा रही है, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है, जिसमें ही सारी चीजें साफ हो पाएंगी कि आखिर जो हत्या की गई थी उससे पहले दुष्कर्म के कोई ट्रेसेस मिले या नहीं। परंतु बहुत बड़ा यह मामला है राजधानी दिल्ली से, आदर्श नगर थाना क्षेत्र से जो सामने आया है, क्योंकि एक महिला की हत्या कर दी जाती है उसी के ऑफिस के अंदर। तो जो महिलाओं की सुरक्षा के वादे तमाम सरकारें करती थी, वो भी धरातल पर आकर धराशायी होते हुए साफ साफ दिखाई देते हैं कि एक इंडिपेंडेंट लेडी जो अपने घर से नौकरी करने के लिए निकल रही थी, उसकी हत्या उसके ही ऑफिस में हो जाती है। तो आखिर महिलाएं सुरक्षित कहां पर हैं? सड़क पर महिलाओं के साथ दुष्कर्म हो रहे हैं, उनके खुद के घरों में हो रहे हैं, और अब दफ्तर में भी इस चीज़ की कमी नहीं रह रही। खुद के ही बॉस द्वारा इस प्रकार से महिला की हत्या कर दी गई और दुष्कर्म का भी शक उसके ऊपर बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही सनसनीखेज वारदात है। इस वीडियो को शेयर करने के साथ मैं चाहूंगा कि आप लोग एक हैशटैग जो इस वक्त आप हमारी स्क्रीन पर लिखा हुआ देख पा रहे हैं, हैशटैग जस्टिस फॉर दीपू, वो लिखकर यूज करें, और इस वीडियो को तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर करें, ताकि जल्द से जल्द परिवार को इंसाफ मिल सके और जिस लड़की की हत्या की गई है उसको भी जल्द से जल्द इंसाफ मिले। कैमरा पर्सन रूपाली के साथ मैं आयुष शर्मा, और आप देख रहे थे स्वराज मीडिया नेटवर्क।